नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने चेतावनी पूर्ण शब्दों में कहा है कि कोविड भागा नहीं, सिर पर मंडरा रहा है खतरा। उन्होंने कहा कि पहले की तरह ढिलाई बढ़ती तो अवश्य तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी टीका लगाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने सभी को मास्क पहनने की नसीहत देते हुए कहा है कि 70 करोड़ में से 35 करोड़ को टीका लगाया जा चुका है। देश प्रदेश की सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए किसी चीज की भी कमी नहीं रहने दी जाएगी, वैक्सीन की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इंसाफ मंच में दिए गए चंदे का सदुपयोग हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद प्रदेश की राजनीति में पड़ने वाले प्रभाव के सवाल को राव इंद्रजीत सिंह ने टालते हुए कहा कि कोरोना राजनीति करने देगा तभी होगी राजनीति। वे आज नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कर रहे थे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव और कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव इस मौके पर मौजूद रहे। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। जैसे बीमारी मारी ऑक्सीजन की हुई थी, डर सबको लगने लगा है और सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं, CSR की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, कई समाज सेवियों ने भी ये उपलब्ध करवाए हैं। आज रिवाड़ी के अंदर होलिस्टर इंडिया के माध्यम से ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन जो बावल रह गया है, नहाड़ रह गया है और जिलों के अनेक हेडक्वार्टर्स रह गए हैं, वहाँ पर भी ये योजनाएँ लगने लग रही हैं। कुछ भारत सरकार की तरफ से NDRF डिजास्टर रिलीफ जो है उसका पैसा है वो उसके माध्यम से लगने जा रहे हैं। कई जगहों पर, गुड़गांव जैसी जगहों के ऊपर जहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी खासी है, वहाँ पर इंडस्ट्री के माध्यम से, CSR के माध्यम से लग रहे हैं। और कुछ इंडस्ट्री वाले जहाँ इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन की बात स्टाफ तो है ही नहीं सर, इक्विपमेंट तो आ गए लेकिन स्टाफ नहीं। पीछे जो वेंटिलेटर भिजवाए थे PM फंड से भी, वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर तक नहीं है। ये थोड़ी सी दिक्कत रही, नल्लड़ जैसे स्थान के ऊपर भी 13-13, 14-14 वेंटिलेटर पड़े रहे लेकिन उनके चलाने वाला ट्रेंड बंदा नहीं मिल पाया। यही और जिलों के अंदर भी कई जगह ऐसी हुई, तो इसको पूरा करने के लिए आज के दिन ट्रेन करवाए जा रहे हैं, चाहे वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो MBBS के या सेकेंड ईयर के हों, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले समय, भगवान ना करे कि तीसरी वेव आई, तो इस तरह की किल्लत ट्रेन पर्सनल की ऑक्सीजन प्लांट, ICU प्लांट चलाने के लिए शायद ना हो। सर, देश की आबादी के हिसाब से बहुत कम वैक्सीन लगी है, क्या कुछ रफ्तार बढ़ाई जाएगी? देखो, हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन की पहले तो लोगों को डर था, भय था। कई तो लोग कहते हैं कि अगर हम लगवा लेते हैं तो शायद नपुंसक हो जाएंगे, कोई कहता था कि हम बीमार हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत लेट शुरू हुआ। अमेरिका के अंदर जहाँ लोग न केवल समर्थ हैं लेकिन हमारे से अपने आप को बुद्धिमान ज़्यादा समझते हैं, वहाँ पर भी जब वैक्सीनेशन की तादाद और पूरी उपलब्ध है उनको पास वैक्सीन, वो भी हमारे से कई गुना पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज के दिन हमारे को ऑक्सीजन की वैक्सीन की कमी आने देगी सरकार। आने वाले समय के अंदर पूरे तौर के ऊपर सारी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट करने की कोशिश करें। युवाओं में जोश है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन 18 प्लस के लिए जो ऐप बनाया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती रजिस्ट्रेशन की, तो इसके लिए कुछ सरकार विशेष करें तो अच्छा रहेगा। देखो, ये डेवलपिंग प्रोसेस है। पहले तो उन्होंने सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को लगवाए, उसके बाद 60 साल के ऊपर को लगवाए, फिर 45 साल के ऊपर को लगवाए, अब 18 से और 45 साल के लोगों को लगवाने लग रहे हैं, उसके बाद बच्चों को लगवाना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे ये डेवलप होने लग रहा है। आज सबसे ज़्यादा संख्या है वो हमारी 18 से 45 साल वाले के लोगों की है। और हम यूँ नहीं कह रहे कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर वैक्सीन हैं। किसी भी मुल्क जब कितना ही समृद्ध हो, इस तरह का संक्रमण कहीं पर भी हो रहा है तो उनके काबू में नहीं आ रहा है। हमने तो 2 महीने में काबू कर लिया। अमेरिका में काबू नहीं आ रहा, इंग्लैंड में काबू नहीं आ रहा, रशिया में नहीं काबू आ रहा, इसराइल छोटी सी पॉपुलेशन सब वैक्सीनेट हो गए, वहाँ पे भी काबू में नहीं आ रहा वैक्सीनेशन के बावजूद। तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की जनता ने और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। भगवान करे कि आगे हमारे सामने तीसरी वेव ना आए और जितनी जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन हो सकती है सभी के लिए, उसके लिए प्रबंध बनते रहें, यही हमारी उम्मीद है। सर, इनेलो सुप्रीमो सर बाहर आते क्योंकि राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, इनेलो सुप्रीमो बाहर आते तो राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में हरियाणा में? राजनीति तो भाई जब होएगी तब ये कोरोना से
खत मिलेगी।